एवरीवन, अमित दिस साइड फ्रॉम द साइबर इंटरनेशनल बाली नगर। आज हमने बेजा के अंदर निपॉन का एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल किए। इस स्टीरियो का मॉडल नंबर है एंड्रॉयड 9 प्रो। ये स्टीरियो हमारा एक प्रॉपर फ्रेम कार के अंदर इंस्टॉल हुआ है। आप फिटिंग देख सकते हैं, प्रॉपर एक्यूरेट फिटमेंट है। अलॉन्ग विद दिस स्टीरियो कम्स अलॉन्ग विद 2+16 GB ऑफ रैम एंड स्टोरेज, IPS पैनल एंड गोरिल्ला ग्लास। प्रोसेसर इसका क्वाड कोर T3P1 है, विच मेक्स मल्टीटास्किंग मोर फास्टर। इस स्टीरियो का टच रिस्पॉन्स देखिए, काफ़ी स्मूथ टच है। वी ऑल्सो हैव 12 बैंड ऑफ इक्वलाइजर अवेलेबल इन दिस स्टीरियो, विच कैन बी यूज टू एनहांस आवर साउंड क्वालिटी, एज वेल एज वी ऑल्सो हैव जोन ऑप्शन अवेलेबल इन इट। जोन ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं हमारी कार के सारे स्पीकर्स वर्क कर रहे हैं या नहीं, एंड वी हैव द लाउड ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल इन इट। लाउड ऑप्शन कैन बी यूज टू इनेबल मोर ऑफ मिड्स एंड बेस। बाई डिफॉल्ट मेनी मोड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस स्टीरियो। नेक्स्ट थिंग, हमारे इस कार के अंदर इस स्टीरियो के साथ हमें 2 USB पोर्ट मिलते हैं। 1 USB पोर्ट का प्रोविजन हमने ग्लो बॉक्स में दिया है, ये आप देख सकते हैं, एंड सेकेंड USB पोर्ट हमारा ओरिजिनल है जो कि वर्क करेगा। मैं आपको वो भी चेक कराऊंगा अभी। लाइक ये देखिए, मैं USB प्लग इन कर रहा हूँ फ़ोन के साथ, ये हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, विच शोज दैट द ओरिजिनल USB पोर्ट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। अब मैं आपको एक बार आउटपुट भी चेक कराऊंगा, उससे पहले आपको इसके आप गूगल मैप का लोडिंग टाइम देखिए, काफ़ी लेस है एज कम्पेयर टू अदर स्टीरियोस। जैसी मैंने एप्लीकेशन ओपन करी है, इट जस्ट टेक्स अ कपल ऑफ सेकेंड टू लोड। वी ऑल्सो हैव पिक्चर इन पिक्चर मोड अवेलेबल इन दिस स्टीरियो, विच कैन बी यूज टू प्ले मल्टीपल एप्लीकेशन एट सिंगल टाइम। राइट, मैंने ये वीडियो प्ले कर दिया है एंड मैं होम पे चले जाऊंगा, मेरी ये वीडियो बैकग्राउंड में प्ले होती रहेगी। इसका साइज मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ एज वेल एज डिक्रीज भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज द स्प्लिट स्क्रीन मोड, विच ऑल्सो मेक्स मल्टी टास्किंग मोर इजियर। उसके लिए सबसे पहले मेरे को अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है, लाइक फर्स्ट एप्लीकेशन इज यूट्यूब एंड सेकेंड एप्लीकेशन इज गूगल मैप। अब मैंने ये दोनों एप्लीकेशन ओपन कर ली है, देन आई कैन ईजिली एक्सेस द स्प्लिट स्क्रीन मोड। लाइक लेफ्ट साइड पे मैंने मैप्स कर दिया एंड राइट साइड में यूट्यूब कर दिया। दिस फीचर इज वेरी मच यूजफुल, विच इनेबल्स अस टू यूज मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। डिस्पाइट दिस, वी ऑल्सो हैव इजी कनेक्शन ऐप विच कैन बी यूज टू मिरर लिंक आवर फोन डायरेक्टली विद द स्टीरियो। इसमें हमें थीम्स का भी ऑप्शन प्रोवाइडेड है। बाय डिफॉल्ट 3 थीम्स आर गिवन, विच कैन बी यूज टू एनहांस आवर अपीयरेंस ऑफ द स्टीरियो। हमने इस कार के अंदर रिवर्स कैमरा भी इंस्टॉल किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द ब्लॉपंग DH05 मॉडल नंबर कैमरा। इसकी जो लाइन्स होती है, दीज आर मूविंग। जिस डायरेक्शन में हम अपनी कार को रिवर्स करेंगे, उस डायरेक्शन में दीज लाइन्स विल मूव। इट ऑल्सो ऑफर्स 170 degree ऑफ वाइड एंगल व्यू एंड इज वाटर रेजिस्टेंट। काफ़ी बढ़िया कैमरा है, ये हमारा नंबर प्लेट माउंटेड कैमरा है, आप व्यू देख सकते हैं। हमारे साथ सर आ चुके हैं। सर आपका गुड नेम क्या है? अविरल भटनागर। तो सर आप कहाँ से आए हैं? मैं पोंटा साहिब हिमाचल से आया हूँ। सो सर आप हिमाचल से स्पेशली स्टीरियो इंस्टॉल कराने के लिए आए हो? यस यस, मैं स्टीरियो के लिए आया हूँ और उसके साथ साथ कैमरा और आर्म रेस्ट और अदर एसेसरीज भी मैंने लगवाई है। सो मैंने आपका रिव्यू पढ़ा था यूट्यूब पर, कई वीडियोज देखे आपके, सो वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड सर, जैसे आपने कार का एसेसरी का काम पहले दिल्ली से कहीं और से भी कराया हुआ है? हाँ, मैंने करोलबाग से कहीं करवाया था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, और यहाँ पर एकदम आराम से काम होता है, जेन्युइनली काम है बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा काम एक्सपीरियंस रहा। मतलब यू आर ओवरऑल सैटिस्फाइड विद द वर्क ना सर? यस यस, डेफिनेटली सैटिस्फाइड, एंड आई विल रिकमेंड टू माई अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। And sir, I would also like to ask about the output of the stereo. Sir, आपको output अच्छा लग रहा है? Yes, output is very much good and it is very satisfying. And uncle, आप भी बिल्कुल satisfied हो हमारे work से? बिल्कुल। Thank you very much, uncle. And
थैंक यू वेरी मच भैया फॉर योर फीडबैक. थैंक यू. अब मैं आपको एक बार आउटपुट चेक कराऊंगा. अंदर आपको काफी ज्यादा स्टोरेज मिलती है. अगर आपको कोई चीज स्टोर करनी है, आपको मैं एक पीछे से भी व्यू दिखाऊंगा इसका. ये देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर फिटिंग है. इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती व्हाइल ड्राइविंग द कार, ना इसमें कोई ब्रेकेज इशू आता है, बिकॉज ओरिजिनल की एक अलग ही क्वालिटी होती है.